कंप्यूटर पर YouTube वीडियोस को एडिट करने के लिए और कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाए, इसको लेकर के काफी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग और स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप YouTube के लिए प्रोफेशनली वीडियोस एडिट कर सकते हैं और साथ ही आप HD क्वालिटी में कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वंडरशेयर डेमो क्रिएटर सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा, इसको आप यहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो क्रिएटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप स्क्रीन के साथ साथ ही वेबकैम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए गेमर्स के लिए भी ये एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें आप प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज बना सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, गेम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसी में आप प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहां से हम फ्री में इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, इसके बाद आप इसको ओपन करेंगे और इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करके काफी लाइट सॉफ्टवेयर है, आप इसको किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप पर आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके इसको स्टार्ट करेंगे। डेमो क्रिएटर का यूजर इंटरफेस काफी सिंपल है, इसमें यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं, नीचे यहाँ पर टाइमलाइन एरिया है और यहाँ पर क्लिप की प्रॉपर्टीज शो होती है और साथ ही यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब जैसे कि हमें कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर पहले आपको चूज करना होगा, आपको फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है या कोई पर्टिकुलर एरिया रिकॉर्ड करना है, या फिर आप यहाँ पर विड्थ और हाइट डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको यहाँ पर छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। स्क्रीन का जितना एरिया भी आपको रिकॉर्ड करना है उतना ही आप यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन के साथ साथ ही वेबकैम भी रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से वेबकैम को ऑन करेंगे। अगर आपको सिस्टम साउंड्स रिकॉर्ड करने हैं तो आप इसको भी यहाँ पर ऑन रखेंगे और आपको अगर वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ज्यादा सेटिंग्स के लिए आप यहां सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपको गेम रिकॉर्ड करना है तो आप गेम सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप गेम सिलेक्ट करेंगे जिसको भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और अगर आपको सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो आप यहां स्क्रीन कैप्चर सिलेक्ट करेंगे और इसमें आप यहां से साइज सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आप FPS यानी फ्रेम पर सेकंड सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको वेबकैम भी रिकॉर्ड करना है तो आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, यहां से आप कैमरा सिलेक्ट कर लेंगे जिससे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग पर जाकर के आप एडवांस सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रिकॉर्डिंग कहां पर सेव होगी और साथ ही यहां पर आप शॉर्टकट भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही यहां पर आप शॉर्टकट भी देख सकते हैं। अब यहां पर आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो सब रिकॉर्ड हो रही है, जैसे कि यहां पर मैं अब कोई भी ट्यूटोरियल बना सकता हूं या कोई भी ऑनलाइन वर्क सिखा सकता हूं या कोई भी प्रेजेंटेशन यहां पर तैयार कर सकता हूं। तो अब यहां पर आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो सब यहां पर रिकॉर्ड होती रहेगी। इसके बाद जब आप चाहें यहां स्टॉप पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। आपकी जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो आप यहां देख सकते हैं और यहां से आप राइट क्लिक करके इसको टाइमलाइन में ऐड कर सकते हैं और यहां पर आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। इसमें यहां पर ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ये है वॉइस रिकॉर्डिंग, दोनों यहां पर साथ में रिकॉर्ड हो गई है। इस रिकॉर्डिंग में अगर आप किसी पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप वहां पर प्ले हेड को लाएंगे, इसके बाद आप यहां स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जहां तक आपको डिलीट करना है आप वहां पर प्ले हेड को लाएंगे, दोबारा से आप यहां पर स्प्लिट करेंगे। अब बीच का पार्ट आप यहां पर डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड के डिलीट बटन से। अब जैसे कि हमें इसमें इंट्रो ऐड करना है तो इंट्रो ऐड करने के लिए यहां मीडिया में आएंगे और यहां इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी इंट्रो रखा हुआ है सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो देखिए इंट्रो यहां पर आ गया है। इसको आप इस तरीके से उठाकर यहां पर रख सकते हैं जहां पर भी आपको इंट्रो चाहिए, तो इस तरीके से आपका वीडियो चलता रहेगा और बीच में इंट्रो आ जाएगा। इसमें यहाँ पर काफी सारे टूल्स दिए गए हैं, अगर आपको कोई मीडिया क्लिप ऐड करनी है तो आप यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करके मीडिया क्लिप या पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं
और इसके बाद यहाँ पर है टेक्स्ट एनिमेशन। अगर आपको कोई टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करना है अपने वीडियो में तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ढेर सारे एनिमेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि हमें ये टेक्स्ट एनिमेशन अच्छा लगता है तो इसको यहाँ पर उठा करके रखेंगे और यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हैं कि ये देखने में कैसा लगेगा। और साथ ही आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और जो आप चाहे वो इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईशान मॉनिटर। अब यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट एनिमेशन आप अपने वीडियो में कहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे टेक्स्ट एनिमेशन दिए गए हैं। इसके बाद है एनोटेशंस। तो आप यहाँ पर एनोटेशंस भी लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा और आप कहीं भी इस टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं और यहीं से आप कोई शेप भी अपने वीडियो में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये स्टार इंसर्ट करना है इस जगह पर, तो इसको बस उठा करके यहाँ पर रखेंगे और आप देख सकते हैं स्टार यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। इसको आप उठा करके दूसरी जगह भी रख सकते हैं और इसका साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें है स्टिकर्स। आप अपने वीडियो में स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें ये स्टिकर लगाना है तो जहां पर भी आपको वीडियो में स्टिकर ऐड करना है वहां पर आप प्ले हेड को लाएंगे और यहां से स्टिकर को उठा करके रखेंगे। प्ले करके आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर स्टिकर अप्लाई हो जाएगा। इसमें ट्रांजिशंस भी आपको मिलते हैं। ट्रांजिशंस पर आप क्लिक करेंगे, जब आप दो वीडियोस को एक साथ ऐड करते हैं तो उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड किया जाता है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने वीडियो क्लिप के साथ इंट्रो ऐड किया है तो हम इसमें कोई ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला ट्रांजिशन उठाकर यहाँ पर हम रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक क्लिप एंड होगी तो उसके बाद दूसरे क्लिप के बीच में इस तरीके से देखिए इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसको कहा जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। यहाँ पर ढेर सारे ट्रांजिशन इफेक्ट दिए गए हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्ट्स पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसको आपने ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया है तो आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जिसके लिए पहले आपको वीडियो इंपोर्ट करना होगा जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इंपोर्ट मीडिया फाइल पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लेते हैं ये वाला वीडियो क्लिप। इसके बाद यहाँ पर उठा करके इसको हम टाइमलाइन में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है तो हम जाएंगे इफेक्ट्स में और ग्रीन स्क्रीन यहाँ से उठा करके इस पर अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। बाकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप ऑफसेट, टॉलरेंस, ये सब कमियां ज्यादा करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं और जो भी कलर आपको रिमूव करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये ग्रीन कलर होता है। तो क्रोमा की का इसमें बेस्ट फीचर दिया गया है। इसके बाद इसमें आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक बैकग्राउंड ऐड करना है तो हम जाएंगे मीडिया में और यहाँ पर ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड। जैसे कि मुझे ये वाला बैकग्राउंड ऐड करना है तो इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। इसके बाद इस वीडियो क्लिप के नीचे इसको यहाँ पर मैं लाऊंगा और पूरे वीडियो पर इसको ड्रैग कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। इसके बाद आप इसके साइज को भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर आपके वीडियो क्लिप में कोई ऑडियो है आप उसको म्यूट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ म्यूट ऑडियो पर क्लिक करेंगे, उसका ऑडियो म्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड इसमें अप्लाई हो चुका है। अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसको डिलीट करके यहाँ पर दूसरा बैकग्राउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ इस वीडियो क्लिप के नीचे और पूरे क्लिप में इसको यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। साथ ही यहाँ से आप इसका साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि ये पूरे स्क्रीन में आ जाए। अब यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने कर्सर पर एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप कर्सर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको हाईलाइट, रिंग्स और साउंड वाला इफेक्ट मिल जाएगा। आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। स्क्रीन पर आप इसको ड्रॉप करेंगे, इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अब जहां पर भी क्लिक होगा स्क्रीन पर वहां आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं MP4 या किसी भी फॉर्मेट में जो यहां पर दिए गए हैं। जैसे कि हम MP4 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर आप प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, लोकेशन चूज करेंगे कहां पर आपको ये सेव करना है। नीचे यहां पर आप रेजोल्यूशन चूज कर लेंगे, कितने रेजोल्यूशन में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी एक रेजोल्यूशन चूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप फ्रेम रेट चूज करेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। फ्री वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको वीडियो में वाटरमार्क देखने को मिलेगा, और अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप साइन इन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉग इन करेंगे। लेकिन हम फ्री यूज कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करके आप अपना वीडियो फोल्डर में देख सकते हैं। देखिए ये है वीडियो जो हमने एक्सपोर्ट किया है, इसको आप यहाँ प्ले करके देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर इस तरीके से एक वाटरमार्क देखने को मिलेगा। अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। पेड वर्जन के लिए आप यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसके प्लान्स देख सकते हैं। आप मंथली, एनुअली या लाइफ टाइम के लिए बाय कर सकते हैं। जैसे कि लाइफ टाइम के लिए इसका प्राइस है $47, जो कि लगभग 3,500 रुपए के आसपास होता है। मतलब कि 3,500 रुपए में आपको लाइफ टाइम के लिए ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसमें आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अगर आपको अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है तो आप ट्रैक पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ट्रैक पर क्लिक करेंगे, ट्रैक यहां पर आ गया है। इसमें आप कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं इंपोर्ट। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको उठा करके आप यहां पर अप्लाई करेंगे। जितने भी वीडियो में आपको चाहिए आप वहीं पर ला करके इसको छोड़ेंगे। और अगर आपको इसका वॉल्यूम कम करना है तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज से इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, जितना भी आप अपने वीडियो में रखना चाहते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट। अगर आपने इसका प्रीमियम प्लान बाय कर लिया है तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालकर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको इसमें वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं माई प्रोजेक्ट 1, इसको हमने एक्सपोर्ट किया है। अब यहां पर प्ले करके देख सकते हैं। देखिए ये फुल HD क्वालिटी में है और इसमें कोई भी वाटर मार्क नहीं है, क्योंकि हमने इसका प्रीमियम वर्जन ले लिया है। अगर आपको प्रोजेक्ट सेव करना है जिसमें आपको बाद में फिर से काम करना है तो आप फाइल में जाएंगे और यहाँ सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+S, तो आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम और लोकेशन चूज करेंगे, सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। बाद में आप इसको ओपन करके यहीं से इसमें अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको वीडियो में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तब आप यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसको वीडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।